सो हे गाइस, एक और न्यू डायमंड रॉयल का बंडल आ चुका है जिसके अंदर मेल का बंडल देखने को मिलता है जो कुछ ऐसा होता था भाई। अभी हम यहाँ पे स्पिल लगाने वाले हैं, अपने पास 25 डायमंड रॉयल पाउच पड़े जो हमें फ्री में देखने को मिला है एफएफ टोकन किल टोकन वगैरह से। तो देखते भाई इस टोकन के बदले मतलब इन डायमंड रॉयल पाउच के बदले हमको क्या देखने को हमको नहीं पता मिलता है, क्या हम ये बंडल निकाल पाएंगे। तो फटाफट से हम एक स्पिन लगाते हैं। पहले तो भाई येलो बन के आया लेकिन यहाँ पे मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स देखने को मिले, वापस एक स्पिन लगा ली जाए। एंड अभी हम यहाँ पे एक साथ 10 स्पिन लगाने वाले, उससे पहले थोड़ा बहुत टैप कर लिया जाए, क्या पता भाई अपना परमानेंट बंडल ही निकल जाए। थोड़ा बहुत टैप करके देखते हैं एंड यहाँ पे एक साथ 10 स्पिन लगाते हैं अभी। ओके भाई फटाफट से यहाँ पे 10 स्पिन पर टैप किया, 10+1 स्पिन एंड देखते हैं इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। येलो बॉक्स तो है लेकिन देखते भाई येलो बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है। ओह येलो में मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स, तो भाई कोई बात नहीं भाई, वापस हमको यहाँ पे स्पिन लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे वापस से हमें मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स देखने को मिल चुका है। वापस से 10+ स्पिन लगाने वाले भाई, फटाफट से उससे पहले एक स्पिन लगाई जाए। ओके तो यहाँ पे एक स्पिन में कुछ भी नहीं निकला खास, तो अभी हम वापस यहाँ पे 10 स्पिन लगाने वाले एंड देखते हुए इसके अंदर हमको अभी क्या देखने को मिलता है। भाई येलो तो शायद है ही नहीं, कोई बात नहीं देखते कुछ तो कुछ निकलेगा। ओके 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 भाई निकल जा निकल जा। ओ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ चुका है। अभी क्या है भाई ये मेल के बंडल फीमेल कहाँ से आ गई? ये तो भाई शूज निकले ओनली, मुझे लगा भाई बंडन निकल गया, लेकिन भाई कॉन्ग्रेचुलेशन लिखने की क्या जरूरत है इस बकवास से आइटम के लिए। अभी भाई क्या ही कर सकते, ये जो लक वाले स्पिन होता है ना इसके अंदर लक काम नहीं करता है, ऐसा होता है लेकिन कोई बात नहीं। हम यहाँ पे बच्चे कुछ स्पिन लगाते हैं एंड देखते हैं भाई मिल जा एक लास्ट स्पिन लास्ट लक। अबे म्यूजिक